समाचार विस्तार से। भारत और चीन ने आपसी संबंधों को मजबूती देने के लिए सीमा पर शांति और सामंजस्य बनाए रखने पर दोनों देश राजी हो गए हैं। दोनों दलों के बीच गठबंधन सरकार बनने पर सहमति के बाद जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बिहार में 5700 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए 4130 करोड़ रूपये की राशि मंजूर की है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने पटना में कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया बिहार को पिछले 12 सालों में मिली ये सबसे बड़ी राशि है और इसके तहत इस राज्य के सभी 38 जिलों में 2400 ग्रामीण सड़कों और 190 पुलों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश के सभी 82 नक्सल प्रभावित जिलों में आधारभूत संरचना के निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्राथमिकता दी गई है और इसके तहत वे 50 ऐसे जिलों का दौरा कर चुके हैं जिसमें बिहार के 3 जिले जमुई, औरंगाबाद और सीतामढ़ी शामिल है। आज हम झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है और इस कवायद के बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं रांची में मौजूद अपने संवाददाता नीरज पाठक से। जी नीरज, सरकार बनने का रास्ता तो साफ हो गया है, किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी और जिस तरह से कहा जा रहा है निर्दलीय और छोटे दलों से अपील की गई है समर्थन की और 41 सदस्यों के समर्थन का दावा भी किया जा रहा है, क्या कुछ वस्तुस्थिति है वहां पर? वास्तव में रमा, आप ये कहना कि सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत जुटा लिए गए हैं, थोड़ी जल्दबाजी होगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो शर्तें रखी जा रही हैं विधायकों को और कम से कम 6 निर्दलीय विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को। और जो चर्चा है, जो बातचीत ये पिछले 2 दिनों में निर्दलीय विधायकों से हुई है, उससे साफ हो गया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये सरकार में समर्थन के लिए बहुत सम्मानपूर्ण तरीके से कोई समझौता होना चाहिए। तो गिव एंड टेक की जो बात हो रही है उससे ऐसा लगता है कि बहुत आसान राह अभी भी नहीं है और इसलिए जब ये सवाल किया गया आज ये हेमंत सोरेन से प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने साफ तौर पर कहा, 2 बात उन्होंने कही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव के लिए भी पूरी तरह से तैयार है और दूसरा कि जब तक 41 विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त नहीं होगा तब तक वे औपचारिक रूप से राज्यपाल के पास जाकर सरकार गठन का दावा पेश नहीं करेंगे। जी रमा जी, नीरज, जिस तरह से आपने बताया कि सम्मानपूर्ण समझौते की बात वहां पर की जा रही है तो किस तरह से कवायद जारी है, क्या कुछ इसका आशय निकलता है? देखिए, ऐसा है, अगर पिछले 10 वर्षों का इतिहास हम देखें, यहाँ कभी भी किसी भी राजनीतिक दल या फिर गठबंधन को बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया है। वैसे में निर्दलीय विधायकों के समर्थन के बिना सरकार नहीं बनी है और सम्मानपूर्ण की बात करें तो अगर जितने भी विधायक निर्दलीय हुए हैं लगातार ये मोल तोल की बातें। न्यायाधीश और प्रसिद्ध न्यायविद वी आर कृष्ण अय्यर ने खाद्य सुरक्षा अध्यादेश का स्वागत करते हुए इसके लिए केंद्रीय खाद्य मंत्री के वी थॉमस की सराहना की है। के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए अध्यादेश को लोकतंत्र पर क्रूर मजाक करार देते हुए भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी संसद में विधेयक को पारित किए जाने का विरोध नहीं करेगी लेकिन इसमें संशोधनों की मांग करेगी। राजनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख से संघ मुख्यालय नागपुर में मुलाकात के बाद संवाददाताओं से ये बात कही। हालांकि उन्होंने इस बारे में स्पष्ट नहीं किया कि भाजपा क्या संशोधन लाना चाहती है। मुख्यमंत्री और भाजपा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ने आज टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के 1500 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की और देखते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।